हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है और हमारा बेबी भी बहुत बढ़िया है। और ये देखो हमारा बेबी, हाय बोलो बाबा। वो है क्या हुआ? मैंने ना वो नहा के ये ड्रेस पहन लिया ना, इसको लग रहा है कि मैं बाहर कहीं जा रही हूँ। नीचे खेल रहा था, उस रूम से हॉल बेडरूम बेल्कोनी ऐसा वो पूरा घूम घूम के पूरा खेल रहा था। लेकिन वो देखा कि उसके मम्मी ना वो ड्रेस पहन लिया, उसको लग रहा है कि नया वाला ड्रेस है, दुकान जाने से या मार्केट जाने से पहनते है, इसलिए उसको पता चल गया कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे है। लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा रहे है, मैंने इसको घर में पहन लिया। उसको लग रहा है ना उसको मम्मी ना कहीं छोड़ के जा रहे है बोल के। उसके पापा तो ऑफिस चले गए थे, अभी ये सोया भी नहीं है। मैंने उसको आज सुबह ही नहलाया, नहला के खाना वाना खिला दिया। खाना वाना खिला के सुलाने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन ये सोया ही नहीं, तब से खेले जा रहे खेले जा रहे। उसको आज शायद खाना खाने के बाद भी ना नींद नहीं आया है, उसको खेलने का मूड है इसलिए उसको खेलने दे रहे हैं। क्योंकि गर्मी तो थोड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी शायद गर्मी का सीजन जाने वाले है इस ईयर का, इसलिए थोड़ा गर्मी कम है। इसलिए बेलकोनी में अभी आके ना बैठ सकते हैं हम भी बिना फैन बिना एसी से। ये खेलोगे? आपने तो खाना खा लिया। मामी ने खाया नहीं, मैंने खाना खाया नहीं क्योंकि मुझे तो भूख नहीं लगा अभी भी, क्योंकि मैं लेची हमेशा लेची खाती हूँ। लेकिन आज ना बेबी को मैंने पहले ही खिला दिया उसको, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बेबी कुछ नहीं खाया था, तो नहलाने के बाद उसको खाना खिला दिया और उसने खाया अच्छे से खाया और अभी खेल भी रहा है। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा लेची खाऊँगी। ये देखो देखो बेबी कैसे गाड़ी में खड़ा हो गया। गिर जाओगे बाबा, गिर जाओगे सोना। देखो 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 उसको देखो गिर जाओगे बाबा। पूरा अपने आप यहाँ पे वो चल गया वो गाड़ी में। इस गाड़ी को तो नहीं चलाते आजकल, वो वाला उसको ज़्यादा पसंद है। इसमें अपने आप बैठ जाते हैं, अपने आप उससे उतर भी जाते हैं। लेकिन ये ना थोड़ा वो है, इसको स्टीयरिंग ऐसा घुमाना पड़ता है ना, इसलिए उसको ना बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत है। इसलिए ये वाला गाड़ी को ना पसंद नहीं है उसे। जब मैं बैठती हूँ ना यहाँ पे, मैं भी बैठ लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे तो बैठना नहीं चाहिए क्योंकि वेट उठा नहीं पाते। लेकिन जब भी मैं उठती हूँ ना उसको दिखाने के लिए, तब ये बहुत हंसता है। बाबा गिर जाओगे, बाबा गिर जाओगे। नहीं नहीं आपको बैठना है, आओ आंदे। देखो देखो दे, आजा आजा आगे आजा। घुमा गाड़ी घुमा, मत आ बाबा। अंकल 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 आया गए, अंकल ने आया गए। हाँ ले ट्राई कलम लाई से, ट्राई कलम ले बाबा। मजाक मंद ऐसे उसको खिलाना पड़ता है उसको, नहीं तो अकेले खेलता नहीं, क्योंकि अभी छोटा भी है ना। उसको हमेशा मम्मी या पापा चाहिए, पापा तो है नहीं ऑफिस चला गया, लेकिन मम्मी हमेशा उसके पास में अगल बगल में घूमते रहना चाहिए, उसके पीछे आगे। मेरा दिन का ये काम होता है बेबी के आगे पीछे घूमते रहना, उसको देखते रहना। अभी ठंड भी मतलब आने वाले है, इसलिए हम लोगों ने ना बेबी के लिए क्लॉथ्स ऑर्डर किया था। उन लोगों ने फेस भी दिया, लेकिन उन लोगों ने ना थोड़ा बड़ा सा स्पेस दिया। ऐसा है हम दिखाते हैं, ये में बहुत सुंदर है कलर, वो हैप्पी डे ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हमने ऑर्डर करते हुए उसको साइज पता नहीं चला ना, बेबी के पेड़ में आटे नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम लोगों ने उसको रिटर्न किया था, मतलब एक्सचेंज किया था छोटे साइज से। लेकिन उन लोगों ने ना बार बार ना, अभी तक ना तीन बार हो गया, बार बार उन लोगों ने ना सिर्फ सेम साइज को ही मतलब भेजता रहता है, सेम सेम वो मैच नहीं करता बोल के वो लोग भी वापस भी नहीं लेके जाते। जब भी हम लोग ना उसको नया वाला वो मंगाने से भी वो लोग बार बार ना 25 साइज का भेजते हैं। मतलब ये वाला स्लीपर जो है ना बेबी के हाथ में जो है, ये वाला 25 साइज का है, बहुत बड़ा होता है। हम लोगों ने 23 साइज को मंगाया था, उन आज अभी पहले थोड़ी देर पहले वो आया, डिलीवरी आया उन लोगों ने, और फिर से वापस से 25 साइज ही मतलब वो दे के गया। पता नहीं क्या दिक्कत है अमेज़न वालों का, अमेज़न वालों का तो दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने जिस मतलब वो सेलर से लिया है ना ये वाला क्रॉक्स, उन सेलर का वो गलती होगा, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। उन लोगों को कंप्लेन भेजने से भी इतना कस्टमर केयर के साथ भी बात कर रहे हैं, हस्बैंड भी मतलब साथ कर रहे हैं, वो लोग मतलब वो भेजेंगे भेजेंगे बोलते हैं, बार बार सिर्फ सेम चीज़ को भेजते हैं। मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे, बेबी को भी बेचारा वो ना खाली पेड़ से भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी ना कभी मतलब पेड़ में कुछ ना कुछ घुस जाएंगे ना घर में खेलने से भी। बाहर लेके जाने से तो उसको सूज पहनाते हैं, लेकिन घर में तो सूज नहीं पहना सकते ना हमेशा। अभी दो दो जोड़ी है, ये एक जोड़ी तो वो पकड़ के रखा है हाथ में, देखो बेबी बेचारा। बाबा ये भी सेम है,
और ये भी सेम है, दोनों स्लीपर को ना वो रिटर्न के लिए वो प्लेस कर दिया। और ये देखो, मैंने ये जो मशीन का जो ये ना कवर है ना, मैंने इसको ऑर्डर किया था उस दिन अमेजन से, मुझे अच्छा ही लगा। आप लोग बताना कि कैसा लगा ये, क्योंकि ये हमारा जो मशीन है ना, ये हायर का 6.5 kg का है, क्योंकि मशीन खरीदे हो तो बहुत साल हो गया, लेकिन मैंने ना कवर के लिए कभी भी सोचा नहीं था। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि नहाते नहाते ये सब पानी पूरा गिरता है ना, पूरा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने उसको ना उस दिन देख के ऑर्डर किया। और देखो कैसा लगा, आप लोग भी कमेंट में बताना। साथ का ही थोड़ा POP मार के इसको भी अच्छा बना दिया है, क्योंकि ये सब पूरा गिरने वाला था, हमारे सिर पे गिरने वाला था। ये बहुत पुराना हो गया ना, ये बिल्डिंग 40 to 45 years का तो होगा, ये पूरा पुराना हो गया, तो ये पूरा गिरने वाला था। तो ओनर ने इसको ठीक करवा दिया, POP वगैरह लगा के अभी ठीक हो गया, वो टेंशन फ्री होके नहा सकते हैं। नहीं तो वो गिरने से तो बहुत रिस्क था ना, क्योंकि हमारा बेबी भी यहाँ पे आते रहते हैं, नहाते हैं वो भी, तो इसलिए अभी ठीक है। POP लगा के ऐसा पेन करके दे दिया। तो हमारा बेबी अभी अभी 10-15 मिनट पहले सो गया, सुबह से सोया नहीं था, अभी सुला दिया उसको, पता नहीं कितना टाइम सोएगा, अभी सोने देते हैं उसको। और मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बेबी तो सो गया ना, अभी यही टाइम है खाना खाने के लिए। ये देखो कड़ा चना और पपीता और आलू देके एक ही सब्जी बनाया था, बेबी तो यही खाया, क्योंकि हम जो खाते हैं ना उसको भी खिलाते हैं। यहाँ पे मसाले बहुत कम डालते हैं हम लोग, अदरक और वो गार्लिक डाला, और थोड़ा बहुत वो गरम मसाला डाला, और कुछ नहीं डाला, मिर्ची भी नहीं डाला। गरम मसाले में तो ब्लैक पेपर थोड़ा बहुत होगा, उसको ही डाल दिया। और चावल बेबी बहुत आराम से बहुत अच्छे से खाया, वो जितना भी मैंने दिया था पूरा फिनिश करके खाया, इसलिए खुशी हो रही है मुझे। जिस दिन बेबी अच्छे से खाना खाते हैं ना, उस दिन मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बेबी उठने के बाद मिलेंगे। ये देखो हमारा बेबी क्या कर रहा है, अभी देखो गाड़ी उल्टा बैठ के क्या कर रहा है, क्या कर ले बाबा क्या कर ले बाबा, वो उधर नहीं जाते बाबा, वो गंदा है सब कुछ। वो देखो उसका वो क्या है, उडेन का स्पैचुला मिल गया इसको, इसके साथ ही वो खेलता रहता है। वो काफ़ी सोया, 2-2.5 घंटा सोया, सोने के बाद अभी उठा, अभी 5 बजने वाले हैं, अभी नहीं उठा, 1-1.5 घंटे पहले उठ गया वो। बाहर में बहुत छूबे है, अभी तो 5 बज गया तो भी बहुत छूबे, देखो पीछे। हाँ क्या कर ले हो, देखो इतना झाड़ू ये सब लेके क्या कर रहा है ये। और इस टाइम में भी मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि मैं तो चाय पीती हूँ ना इस टाइम में, 5 बजे या तो 5:30 बजे या तो कभी कभी जब भी क्या उनके पापा आते हैं उसके साथ ही पीती हूँ, लेकिन आज जल्दी पीने का मन कर रहा है इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। ये देखो मेरा चाय उबल रहा है, सिर्फ चाय पत्ती और दूध डाला, चाय मतलब थोड़ा आज मीठा खाने का मन है इसलिए थोड़ा गुड़ डाला, नहीं तो मैं मतलब चाय में कुछ नहीं लेती, ना नमक ना चीनी कुछ भी नहीं डालते, आज थोड़ा गुड़ डाला। ये देखो जब तक ना उस दरवाजे को ना खोलना देना, तब तक वो घर में इतना टहलका मचाएगा ना, किचन का इतना जितना भी वो नीचे में सामान मिलेगा ना, बोतल कुछ कुछ आलू प्याज सब कुछ वो तो बिखरा देगा, इसलिए मैं ना जब भी किचन में कुछ काम करती हूँ वो उसको वो दरवाज़ा खोल लेती हूँ, बीच बीच में देखते रहना होता है, क्योंकि बंदर भी आते हैं ना, कब बंदर आते हैं कुछ पता नहीं, इसलिए बाबा आजा बाबा आजा। ये देखो बेबी पूरा क्रीम बन खाने के लिए, देखो बाबा हम उसको ना अच्छा लगता है क्रीम बन, वो कल लेके आए थे क्या उनके पापा, तो एक ही बचा हुआ है, अभी इसको भी थोड़ा खिलाते हैं और मैं भी चाय के साथ थोड़ा खाती हूँ। हाँ बाबा खाएंगे, अच्छा लगता है ये, साउथ इंडियन दुकान में मिलता है, क्योंकि मीठा मीठा भी बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगता है ना, बा खाया क्या नहीं पता नहीं, थोड़ा लो। थूप भी बहुत ज़्यादा गिर रहा था ना, इसलिए इसको थोड़ा अंदर लेके आया, अंदर खिला के और बाहर लेके जाएंगे हम। आप अकेले नहीं खा सकते बाबा, मामी खिला देगा ना, बाबा जा हगन 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 बाबा हगन गठाओ गठाओ बाबा गठाओ गठाओ। वो ना मेरा वो गंदा सूस लेके यहाँ पे आके ले आके यहाँ पे बैठा था, इसलिए मैंने उसको अपना वाला सूस दे दिया, मेरा वाला रख दिया। हमेशा ऐसा करता है सूर एक में जाके जो मतलब वो गंदा सूस होता है ना उसको पकड़ के लेके आते हैं, और कभी कभी ले आके ना बिस्तर में रख देता है बिस्तर पे, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कौन सा चीज अच्छा है कौन सा चीज गंदा है, बच्चा है ना उसको कुछ मालूम नहीं, जब तक उसको ना गंदा अच्छा ये सब मतलब पता नहीं चलेगा ना, तब तक वो ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करता है, चप्पल गंदा गंदा चप्पल ला के ना वो बिस्तर में रख देते है। हाय दे बाय 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 बाय, इतना सुंदर से करता है ना वो बाय बाय, बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के।
हमारे जो नेबर है ना उन लोगों को भी बाय बाय ऐसा करते हैं, और अपने पापा को भी जब ऑफिस टाइम जाते हैं ना। आज के वीडियो को यही भी एंड करते हैं, आप लोगों को मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। बाय 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 बाय।